नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाजार के पंडित में। तो दोस्तों, आज आपने कई सारी उठापटक मार्केट में देखी, मार्केट हॉल्ट हुआ, देन आफ्टर दैट रीओपन हुआ, और एक्सेप्शनल केसेस देखे, जो ग्लिचेस थे वो भी आपने देखे, जो टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी, और आपने आपको Instagram पे सब चीज़ों की अपडेट प्रोवाइड की थी, और देन आफ्टर दैट आपने वहाँ पर अपडेट के अकॉर्डिंग ही आई होप आपने काम किया होगा। बट जो इंटरेस्टिंग फैक्ट हुआ एट द एंड ऑफ द डे, जब मार्केट क्लोज हुआ, तो मार्केट ने जो इन्वेस्टर के लिए एक और होप जगा दी और एक रिबाउंड देखने को मिला, एक बाउंस बैक आपको देखने को मिला। और इसका कारण क्या था और इससे क्या फायदा मिला है, किन चार शेयर्स को सबसे ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, जानेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो सबसे पहले, अगर आपने हमारा न्यू चैनल नहीं देखा है तो जाके तुरंत देखिए लर्निंग इज अर्निंग बाय प्रभाष पे, इसको आपको सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको ये जो इंपॉर्टेंट वीडियो है यहां पर जाके देखेंगे तो वैल्यू इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपको काफी चीजें पता चलेंगी। तो दोस्तों, बात करेंगे आज, देखिएगा, सेंटर निर्मला सीतारमण जी ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने क्या कहा, सेंटर लिफ्ट्स एम्बार्गो ऑन द ग्रांटिंग बिजनेसेस टू द प्राइवेट बैंक। तो आप लोगों को पता होगा कि बेसिकली जो जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट जितने भी होते हैं, जितने भी तरीके से डेलीगेशन किया जाता है, वो सारे प्रोजेक्ट किसके थ्रू होके गुजरते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक से होकर गुजरते हैं। चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम ले लीजिए, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम ले लीजिए, चाहे जितने भी बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, वो आपको पता है गवर्नमेंट से कोरिलेट करते हैं, और देन आफ्टर दैट सारे प्रोजेक्ट्स आपको वहीं पर एग्जीक्यूट होते हुए देखने को मिलते हैं। बट गवर्नमेंट ने अब डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए क्या मांगा है, पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट बैंक भी मांगा है। तो अब देखिए क्या होगा, प्राइवेट बैंक कैन नाउ बी इक्वल पार्टनर इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। यानी कि अब आने वाले टाइम में जिस तरीके का अपडेट है, आपको प्राइवेट बैंक भी कई तरीके के गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन में भाग लेते हुए देखने को मिलेंगे, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में प्राइवेट बैंक्स का रोल आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, और ये प्राइवेट बैंक के लिए बहुत ही बढ़िया ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी इन द बिजनेस है। तो देखिएगा, दोनों ही चीज़ हैं कि इसमें उनका काम बढ़ेगा पहली चीज़, और देन आफ्टर दैट उनके रेवेन्यू, इबिटा, ईपीएस, ये सब चीज़ों में आपको रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी बिटवीन द प्राइवेट बैंक एंड पब्लिक सेक्टर बैंक। और आपको पता है कि गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, लाइक सोशल सेक्टर से रिलेटेड कई सारे प्रोजेक्ट होते हैं। तो उसमें आपको जो साफ साफ कहा गया है कि देखिएगा, गवर्नमेंट बिजनेस टू प्राइवेट बैंक इनेबलिंग बैंक टू पार्टिसिपेट इन ऑल द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे। प्राइवेट बैंक कैन नाउ बी इक्वल पार्टनर इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकॉनमी, फर्दरिंग द गवर्नमेंट सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, इनहेंसिंग द कस्टमर कन्वीनियंस। तो सभी चीज़ों में, एक एक पॉइंट में अगर आप देखेंगे, तो सभी चीज़ों में प्राइवेट बैंक का जो पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाया जाएगा, और विद द लिफ्टिंग द एम्बार्गो ऑफ प्राइवेट बैंक्स विल बी एबल टू कंडक्ट गवर्नमेंट रिलेटेड बैंकिंग ट्रांजेक्शन। अब देखिएगा, पब्लिक रेवेन्यू जनरेट जब होता है तो वो टैक्स के थ्रू भी होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होता है, कई तरीके की चीज़ें होती हैं, कई तरीके के ट्रांजेक्शन होते हैं, कई तरीके की आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन देखने को मिलते हैं, उसमें भी सच एज टैक्सेस, अदर रेवेन्यू, पेमेंट फैसिलिटी, पेंशन पेमेंट, ये सब चीज में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे सिंपल मैनर में अगर आप जानेंगे तो देखिएगा, जो सेक्टर में प्राइवेट बैंक नहीं थे उस सेक्टर में प्राइवेट बैंक आते हुए देखने को मिलेंगे। तो इससे क्या होगा, जो बैंक है, प्राइवेट बैंक है, उनका बिजनेस एक्सपैंड होगा, उनका बिजनेस ग्रोथ में देखने को मिलेगा आपको। तो बेनिफिट क्या होगा, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी, और इस सेक्टर में उनके आगे आने वाले टाइम में रेवेन्यूज भी बढ़ेंगे और प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे, और आपको क्वार्टर के रिजल्ट भी बेहतर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो पार्टिसिपेशन पहले होता था वो केवल पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए अलाउड होता था। तो इसलिए इससे दो तरफ से, एक तो बेनिफिट हुआ, पूरे बैंकिंग सेक्टर का बेनिफिट है, यानी कि आपको जो असमानताएं देखने को मिलती थी वो अब थोड़ी कम होते हुए देखने को मिलेंगी। दूसरी चीज़,
ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी है प्राइवेट बैंक्स के लिए कि अब उनके पास भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कई सारे प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, और जिसके कारण आपने देखिएगा लास्ट आर में जैसे ही देखिएगा स्टेटमेंट और ये सब चीज़ें आपको देखने को मिली, देन आफ्टर दैट आपने मार्केट का देखा बिल्कुल रुख बदल गया और जो टॉप बैंक्स थे उनमें आपको बढ़िया तेजी देखने को मिली। तो सबसे पहले मैं जिन बैंकों का नाम लेने जा रहा हूँ वीडियो के नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनसे रिलेटेड आपको डिटेल वीडियो प्रोवाइड किया गया है कि नहीं किया गया, प्लीज़ वीडियो के नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे एक्सिस बैंक की, अगर आपको पता होगा सबसे पहले बात करेंगे एक्सिस बैंक का डिटेल वीडियो है, कल बताया था, क्या बताया था कि को रिलेट करता है निफ्टी बैंक के साथ, पहला लॉजिक था निफ्टी बैंक भागेगा उसमें ग्रोथ दिखेगी तो आपको एक्सिस बैंक अपने आप भागेगा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो 5.5% का जंप देखने को मिल रहा है, 5.5% का जंप विद इन वन डे, और देखिएगा ये चीज पहले लॉजिक से क्लियर हो गई। देन अब क्या हो गया, एक बेनिफिट भी देखने को मिल रहा है क्योंकि गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेशन रहेगा प्राइवेट बैंक का, तो इस बैंक के लिए भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी, तो उसमें भी आपको आने वाले टाइम में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो एक्सिस बैंक मैंने आपको बताया है कि जब भी ये बैंक देखिएगा कभी भी गिरावट पे आपको मिलता है तो बाय ऑन डिप्स करिए, लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू या फिर वन ईयर का पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, बढ़िया रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे। और हमेशा पैटर्न इन्वेस्टमेंट को ना भूलिए, आप जल्दबाजी में ना करिए जैसे कि आज भाग गया तो अब आप पकड़ ले उसको, तो वेट करिए, वेट करेंगे पेशेंस रखेंगे तो देन आपको एंट्री लेवल सही से देखने को मिलेंगे। दूसरी बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो देखिएगा इसमें भी छोटा स्टॉक है, बढ़िया मूवमेंट देखने को मिला है और ये स्टॉक देखिएगा काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन दिखा सकता है। इसमें हमने डिटेल वीडियो बनाया था, जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो SBI से होते हुए निकलेंगे, पहली चीज़। सेकेंड चीज़ आपको पता है कि अब धीरे धीरे इनमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है, कॉमेंट्री अच्छी देखने को मिल रही है, मार्जिन अच्छे देखने को मिल रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसके लिए सबसे बड़ा बैंक जो इंडियन इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो इसमें आपको आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन देखने को मिल सकते हैं। तो इन दोनों बैंकों पर आपको बढ़िया वीडियो प्रोवाइड किया गया था, और थोड़े दिन पहले आपको ICICI बैंक जब ये 600 के आसपास आ रहा था तब आपको ये बताया गया था, देखिएगा बैलेंस शीट अच्छी है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट निफ्टी बैंक में देखने को मिलेगा, तो इन बैंकों में तुरंत उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो इसमें सबसे अच्छे फंडामेंटल, सबसे अच्छे जो टॉप बैंक्स होंगे गवर्नमेंट उन पे ही रिलाई करेगी, गवर्नमेंट उन्हीं को वो प्रोजेक्ट देगी और उन्हीं पे भरोसा किया जाएगा जो डूब नहीं सकते हैं। वो बैंक कौन सा है, ICICI बैंक। तो देखिएगा 4% की तेजी आपको यहां पे भी देखने को मिल रही है, और इसके बाद HDFC द लीडर ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक, तो देखिएगा सबसे बढ़िया तेजी HDFC बैंक, 5.5% की बढ़िया शानदार मूव, बढ़िया फंडामेंटल, बढ़िया बैलेंस शीट, बढ़िया ग्रोथ, बढ़िया डिपॉजिटरी इनफ्लो, बढ़िया कासा, रिटेल कासा, सब कुछ आपको बढ़िया देखने को मिलेगा। तो देखिएगा इन चार बैंकों पर आपको रडार पे रखना है, वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए, अब कहीं पर भी आने वाले टाइम में आपको करेक्शन मिलता है तो ऐसे ही बैंकों को लॉन्ग टर्म के लिए आप क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, जिसमें आपको बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी। और अगर वीडियो अच्छा लग गया है तो वीडियो को लाइक करने में कुछ भी नहीं जा रहा, लाइक करिए, कॉमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और थैंक यू सो मच।